गुड मॉर्निंग दोस्तों। और मैं आपको 20 मिनट के योगा में बताऊंगा कि कैसे आप 24 घंटा फिट रहते हैं और आपको ना एसिडिटी बनेगी, ना गैस बनेगी, ना कब्ज बनेगी, ना बीपी की समस्या होगी, ना शुगर की समस्या होगी। मेरे साथ आप मात्र 20 मिनट योगा करिए और जिंदगी भर मस्त रहिए। लेकिन हाँ, पर डे करना पड़ेगा। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, सबसे पहले सुबह उठ के आपको गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पी के आप फ्रेश हो के आप आगे बैठ जाइए जैसे मैं बैठा हूँ। और इसके बाद मैं चालू करता हूँ कि 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में आप कैसे परमानेंट फिट रहते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ चालू कर दीजिए। सबसे पहले आप करेंगे कपाल भाती, वो भी करना है मात्र 3 से 5 मिनट तक, जितना आप कर सकते हैं ऐसे करना है। इसको करने से आपको क्या क्या बेनिफिट है वो भी मैं बताऊंगा। कपालभाति से आपका कब्ज की समस्या है वो खत्म हो जाती है, डिहाइड्रेशन की समस्या है वो खत्म हो जाती है, पेट ज्यादा निकल रहा है वो नहीं निकलेगा, और दूसरा जो है एसिडिटी बनती है, जो गले में जलन होती है वो समस्या नहीं होगी। इसको आप 3 से 5 मिनट आराम से बिंदास एकदम करिए और मैं आपको योगा भी बताऊंगा और उसके बेनिफिट बताऊंगा। अगर आप लोग को जो है और कोई भी परेशानी है अपना फिजिकल से लेके रिलेटिव, तो फिर आप भी कमेंट कर सकते हैं और उसके बाद जो है क्वेश्चन आप इनबॉक्स में कर सकते हैं। मैं आपको जो है बता दूंगा कि जो है उससे कौन सा योगा करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो आप लोग ये चालू करे रहिए कपालभाति। कपालभाति में इतना ज़्यादा पावर होता है कि जैसे आपके हीमोग्लोबिन बहुत कम है तो ये आपके हीमोग्लोबिन को भी कवर कर देता है। ये पेनक्रियाज को एक्टिव करता है। एकदम आपको स्ट्रेट बैठना है और ये आपका वर्क केवल आपका स्टमक करना चाहिए, आपका पेट करना चाहिए, आपकी बॉडी एकदम स्थायी रहनी चाहिए। ये आप चालू करेंगे तो आपको 2 से 3 दिन से 5 दिन में आपको पूरा सिस्टम दिखना चालू हो जाएगा कि मेरे साथ क्या परिवर्तन हो रहा है, मैं कैसे फिट हो रहा हूँ। आप एकदम खुश मिजाज बने रहेंगे, डिप्रेशन जैसी समस्या से आप थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। ये करने के बाद उसके बाद आपको करना है भस्त्रिका। भस्त्रिका भी 3 से 5 मिनट आप कर सकते हैं, 2, 3, 5 मिनट जितना आप कर सकते हैं उतने में भी आपका काम चालू हो जाएगा। जैसे कि भस्त्रिका, हाँ,
भस्त्री साहब से आपकी जो है फेफड़े की समस्या है, अगर फेफड़ा कमजोर हो चुके हैं, कफ एंड कोल्ड की समस्या रहती है, इससे आप निजात पा सकते हैं। किसी को जैसे इस्नोफेलिया की प्रॉब्लम रहती है तो ये योगा करके वो मस्त रिलीव कर सकता है और उसकी समस्या दूर हो सकती है। इसको आप 3 से 5 मिनट करना है। दोस्तों ये आपको 3 से 5 मिनट करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। बाकी आपको ये 3 से 5 मिनट करना है। इसके बाद आपको करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से कौन कौन सी बीमारी आपके शरीर से दूर होती है और कौन कौन सी बीमारी नहीं आएंगी वो मैं बताता हूँ। अनुलोम विलोम करने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आपको बीपी की समस्या कभी नहीं होगी। तो मेन जो है अनुलोम विलोम का ये सिस्टम है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो अनुलोम विलोम ऐसी क्रिया है जिससे आपको नींद आना चालू हो जाएगी, और डिप्रेशन जैसी समस्या रहती है तो वो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अनुलोम विलोम करते कैसे हैं वो देखिए। एक नाक से सांस खींचना है, दूसरे नाक से सांस निकालना है। ये उंगली से ऐसे सपोर्ट करिए, इसको आपको 3 से 5 मिनट इसको करना है। इसके करने के बाद दोस्तों एक आसन योगा ऐसे बताऊंगा, जैसे आपको सर्वाइकल की समस्या है, आपके पीठ में, रीढ़ में, गले में कहीं भी दर्द रहता है, शोल्डर में दर्द रहता है, जो कि आप दवा भी खा रहे हैं फिर भी नहीं आराम हो रहा है, तो मेरे साथ ये वाला आसन करिए। आप केवल यही करिए, अगर आपका ये दर्द नहीं जा रहा है तो 2 से 5 मिनट आप यही करिए। 2 से 5 मिनट क्या, 3 मिनट भी नहीं लगेगा, तो आपका शोल्डर पेन और ये जितना बैक पेन ये सब आराम से चला जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हाथ यहाँ करेंगे, इसको करने के बाद इस तरह 10 से 15 बार और इसके बाद उल्टा। जितना आगे उतना पीछे, और फिर ऐसे हाथ फंसा लीजिए इस तरह, ऐसे फंसा के इसको पीछे कर लीजिए, उतना इधर भी करना है। इसके बाद सामने
चिर बगल। ये करने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट के बाद जो मेरे नवयुवक दोस्त हैं, जो जवान दोस्त हैं, जे जो अपने इसको भी बनाना चाहते हैं, वो जितना कर सकते हैं 15-20 बार, 5 बार, 10 बार डिप्स भी कर सकते हैं। बॉडी फिटनेस का ये भी एक सिस्टम है, ये भी आपके पेट को बढ़ने नहीं देता है दोस्तों। चालू करता हूँ मैं। ये करने के बाद 5 मिनट मंडूपासन में से बैठ, 2 मिनट भी मंडूपासन में बैठ सकते हैं। इसके बाद ये तरीका बताऊंगा कि आपका स्टमक ये बगल में ये धीरे धीरे अंदर हो जाएगा दोस्तों। रेस्ट करने के बाद अब खड़े हो जाइए। जैसा कि आप देख रहे होंगे और इस तरह आपको करना है। इस तरह जितना कर सकते हैं उतना 15-20 बार, 30 बार, 40 बार भी बढ़ा सकते हैं। इससे आपके पेट कम होगा। और तो दूसरा ये बगल में बेली फैट जिसको बोलते हैं, ये कैसे कम होंगे, ऐसे कर लीजिए, हाथ ऐसे कर लीजिए। इधर दस इधर कर लीजिए। फिर दोस्तों मेरे साथ ये करने के बाद मेरे तरफ सीधा ऐसे लगते रहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ
योगा कर रहे होंगे। और जिसको भी जो समस्या है, ये डेली रूटीन वाला सिस्टम है, इसको आप करने से कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तो वो सुबह से लेके रात तक एनर्जेटिक फील करेगा। अगर आपको और भी कोई समस्या है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं वो बीमारी के बारे में वीडियो बताऊंगा और उसको समस्या योगा से कैसे ठीक किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप पर डे मेरे साथ योगा कर सकें और खुद को स्वस्थ और निरोगी रख सकें। धन्यवाद दोस्तों।